दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। हाँ, मुझे मालूम है थंबनेल देख के आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकते हैं इसे 30,000 में बाय, क्योंकि स्मार्टफोन तो 37-38,000 से शुरू होता है। लेकिन खरीद सकते हो इसको, 865 चिपसेट वाला स्मार्टफोन है। कैसे खरीद सकते हो वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, देखेंगे, क्योंकि स्मार्टफोन तो दमदार है और अभी अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन प्राइस उसका 37,000 है, तो कैसे 30,000 में उससे कम खरीदें। और भी कुछ प्राइजेज हैं जिससे आप 27,000 तक शायद खरीद सकते हो, कैसे वो भी बताने वाला हूँ। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कितनी पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी 1.5 हफ्ते हुए लॉन्च होके स्मार्टफोन को, एंड 1-2 सेल ही गया है, अभी तो चल ही रहा है सेल। अभी देखा मैंने, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम चालू था, एंड प्राइस जो है इसके बेस वेरिएंट 6GB 128GB का वो 37,000 के आसपास है, एंड स्मार्टफोन अच्छा है जिस प्राइस पे है। 5G इनेबल्ड है, लेकिन इसका हाईएस्ट वाला वेरिएंट जो छोटे वाले वेरिएंट है उसमें लॉक करके रखा गया है, तो अपडेट से बाद में शायद वो लोग उसको ऑन भी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। और स्मार्टफोन अच्छा है, आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देता है, जो कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे है दोस्तों, रियर साइड पे क्वाड कैमराज हैं, अच्छी चीज है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सारी चीजें मिलती हैं, पंच होल है तो देखने में अच्छा लगता है। ये 2020 का जो सीजन रहेगा ये पंच होल वाला रहेगा, तो ज्यादा स्मार्टफोन आपको पंच होल के साथ देखने को मिले, चलो अच्छी चीज है। स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट है, प्राइस 40,000 के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत कम करके इन लोगों ने 37,000 तक लेकर आया, जो कि अच्छी चीज है। गेमिंग मक्खन की तरह चलेगा, कोई भी गेम खेलो किसी भी लेवल पे, कितना भी यूज करो कोई इशूज नहीं आएंगे, धमाकेदार चिपसेट है दोस्तों। 48+13+13+2 मेगापिक्सल, 48 वाला प्राइमरी सेंसर है, 13-13 के दो अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो है, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि अच्छा है, वो भी IMX471 वाला सेंसर है सोनी का, तो सारी चीजें अच्छी मिलती हैं। 4400 एमएच की बड़ी बैटरी दी हुई है, जो कि आराम से आपको एक दिन तो निकाली देगी, कोई इश्यूज नहीं आएंगे चाहे जैसा भी यूज करो। देन अगर कम पड़ता है तो उसके साथ 55 वाट का चार्जर भी आता है, जिससे आप आधे घंटे में इसका 50% चार्ज कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास जाते जाते फुल चार्ज हो जाएगा आराम से। देन उसके बाद टाइप सी का पोर्ट आता है, स्लॉट नहीं आता वो ध्यान देना, तो इसीलिए 8GB 128GB बेसिक रखा है। सेंसर सारे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से लेकर सब कुछ मिलता है, स्मार्टफोन धमाकेदार है जिस प्राइस के हिसाब से आ रहा है। रैम जो है वो आपको LPDDR5 वाला मिलता है, एंड उसके साथ साथ स्टोरेज जो है UFS 3.1 वाला है, ध्यान देना, बाकी सब नए वाले में 3.0 आ रहे हैं, इसमें 3.1 एकदम लेटेस्ट आया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से किलर है दोस्तों। एंड सारी चीज़ें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको सिर्फ मिलती है 37,000 में। लेकिन असली खेल यही पे आता है, अगर आप ICICI का डेबिट या क्रेडिट कोई भी कार्ड आपके पास हो, ATM कुछ भी हो, ICICI बैंक का अगर उसे स्वाइप करते हो तो 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी 34,000 में आ जाएगा, 34,000 रुपये। और अगर आपके पास स्मार्टफोन कोई पुराना है और उसे एक्सचेंज करते हो तो जितना आपके स्मार्टफोन का प्राइस है वो तो कटेगा ही कटेगा, जैसे 4,000 प्राइस है तो 4,000 कटेगा, प्लस 3,000 आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा हर एक स्मार्टफोन पे, तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ध्यान देना। तो 3,000 उधर का ICICI का, 3,000 इधर का, 6,000 इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है एक्सचेंज करने पे, और जो बचता है उसे आपको ICICI के क्रेडिट कार्ड से पे करना है, या डेबिट कार्ड से भी करोगे तो भी चलेगा, तो 31,000 प्राइस हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपके स्मार्टफोन का भी प्राइस जाएगा, जैसे अगर OnePlus के करते हो तो आपको 8,000-9,000 रुपये तक ऑफ मिल जाएगा, तो 25,000 तक आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली वो देखोगे तो इफेक्टिवली आपको 30-31,000 तक ही आ रहा है स्मार्टफोन, एंड उस प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा किलर डिवाइस है। 865 के साथ आपको परफॉर्मेंस जो है इसका स्कोर जो है 5,90,000 6,00,000 तक जाता है, तो वो भी ध्यान देना अंतुदू का, यानी किलर डिवाइस है, एकदम मक्खन की तरह चलेगा, और आप 30-31,000 तक ले सकते हो। तो अगर आपका 30,000 के आसपास का बजट है और आप कोई स्मार्टफोन देख रहे हो और आपके पास पुराना स्मार्टफोन है जिसे आप एक्सचेंज कर सकते हो तो आप इसे ले सकते हो। ये स्मार्टफोन इफेक्टिवली आपको 26-27,000 तक पड़ेगा, क्योंकि 6,000 वो कट जाएंगे और आपके स्मार्टफोन का भी 4,000-5,000 प्राइस होगा ही होगा, तो वो भी कट जाएगा, तो 26-27,000 मेरे हिसाब से अगर पड़ रहा है डिवाइस ना तो किलर है। आंख बंद करके आप कोई भी स्मार्टफोन की तरफ मत देखो, ये वाला स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है दोस्तों। तो iQOO 3 जो कि एक्चुअली 37,000 में आ रहा है, और अगर आप एक्सचेंज करते हो और जो बाकी पेमेंट है उसको अगर आप ICICI के उससे पे करते हो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो आपको इंस्टेंट 6,000 ऑफ हो जाएगा 3+3, एंड आपके स्मार्टफोन का भी प्राइस जाएगा जो होगा, तो 30,000 तो 31,000 तो वैसे ही हो रहा है, एंड अगला स्मार्टफोन का प्राइस घटा दो तो 26-27,000 तक आपको पड़ेगा स्मार्टफोन, एंड मेरे हिसाब से उस प्राइस के हिसाब से किलर है।
बुक अभी चल रहा है, जब मैं बना रहा हूँ वीडियो सुबह के टाइम, तब इस टाइम तो अभी सेल चल रहा था मैंने देखा। एंड अगर आपको बाय करना है तो मैं कहूँगा अच्छा डिवाइस है, देख सकते हो, किलर है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। अभी बहुत सारे वीडियोज हैं जिन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखोगे व्यक्ति मैसेज दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ। अगले दोस्तों।